अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स पढ़ रहे थे और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स का मैंने एपिलेप्सी का ओवरव्यू आपको दे दिया। उसके बाद हमने एपिलेप्सी के क्लासिफिकेशन भी देख ली और जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं उनमें से जो दो ड्रग्स हैं फिनोटाइन और कार्बामेजेपाइन वो हम पढ़ चुके थे। अभी हम तीसरे इंपॉर्टेंट ड्रग पढ़ेंगे और अब जो आगे हम चीज़ें पढ़ेंगे इसमें दो तीन ड्रग्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और बाकी दो तीन के सिर्फ आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद होने चाहिए एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जो नेक्स्ट चीज़ हमने पढ़नी है वो है हमारे पास बारबिट्यूरेट, ठीक है। और ये जो बारबिट्यूरेट है इसके अंदर ड्रग आ जाती है फिनोबारबिटॉल या जिसे हम फिनोबारबिटॉन भी कहते हैं। अब किसी को याद है कि हमने इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ा था, वहां पे मैंने आपको बताया था बाबा जी टुक वैगन से आप लोगों ने याद रखना है कि ये गैबा की ट्रांसमिशन को इंक्रीज करते हैं। और जो पहला बाबा हमने पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो गैबा के चैनल होते हैं किसी तरह उन चैनल्स के लिए एज एन एगनिस्ट या एज एन फैसिलिटेटरी ड्रग एक्ट करते हैं और चैनल्स को इंटरेक्ट करते हैं जिन चैनल्स पे गैबा ने आके लगना था, ठीक है। सो गैबा का जो ट्रांसमिशन है थ्रू दीज क्लोराइड चैनल्स ये उसको इन्हेंस कर रहे थे, बारबिट्यूरेट भी और बेंजोडाइजेपीन भी। अब ये जो बारबिट्यूरेट्स हैं इनको देना हमने छोड़ दिया है और इनकी जगह बेंजोडाइजेपीन को देते हैं। बेंजोडाइजेपीन में क्या आता है अभी हम आगे पढ़ेंगे, क्लोनाजीपाम, डाइजेपाम, लोराजेपाम वो हम देते हैं। क्यों हम देते हैं बच्चों? इस वजह से कि ये जो बारबिट्यूरेट्स हैं ये क्या करते हैं। अच्छा जी, तो मैं क्या बता रही हूँ आप लोगों को कि हमारे पास ये जो बारबिट्यूरेट हैं या फिनोबारबिटॉन या फिनोबारबिटॉल है इसको हमने देना छोड़ दिया है और इसकी जगह हम बेंजोडाइजेपीन को देते हैं, क्योंकि दोनों तकरीबन सेम काम करती हैं कि गैबा की इनहिबिटरी ट्रांसमिशन को बढ़ाती हैं जो एपिलेप्सी में फायदेमंद है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में फर्क है, किस तरह से इनहिबिटरी ट्रांसमिशन बढ़ाती है ये थोड़ी सी डिफरेंस है और ये डिफरेंस आपको आना चाहिए। ये एंटी डिप्रेशन में भी आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, वहां इनके इंपॉर्टेंट डिफरेंसेज मैं आपको लिखवाऊंगी। अब हमने इसको देना क्यों छोड़ दिया है, क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं? इसके ड्रॉबैक्स ये हैं कि ये बहुत जल्दी पेशेंट के अंदर जाके टॉलरेंस डेवलप करा लेती है, पेशेंट इससे सेंसिटिव हो जाता है और इसका कोई इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं रहता। दूसरी बात ये है कि ये डिपेंडेंस इंड्यूस करा देती है, पेशेंट को अपना आदि बना देती है, ये बहुत ज्यादा एडिक्टिव है, पेशेंट इस पर डिपेंड करना स्टार्ट कर देता है और इसका जो विदड्रॉल है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, हम पेशेंट को ये छुड़वा नहीं सकते, इसलिए हमने ये देना छोड़ दी है। बहर अगर हम देते हैं तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो किसी तरह तो आपको समझ आ गई है कि ये गैबा रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करेगी। अब ये करती क्या है बच्चों? नॉर्मली ये होता है कि यहाँ पे हमारे पास समझ लो कि गैबा रिसेप्टर मौजूद है, ठीक है। अब इस गैबा रिसेप्टर के ऊपर आके गैबा लगता है, गैबा ए रिसेप्टर के ऊपर जब आके गैबा लगता है तो इस गैबा के लगने की वजह से क्लोराइड चैनल्स ओपन हो जाते हैं, क्लोराइड बाहर से अंदर जाना शुरू करता है, अंदर नेगेटिविटी होती है, जितनी नेगेटिविटी होती है हाइपर पोलराइजेशन उतनी इनहिबिशन हो जाती है गैबा की वजह से। अब एपिलेप्सी में हमें इनहिबिशन चाहिए ना, तो हम जब ये ड्रग देंगे तो ये ड्रग जो है ये गैबा एगनिस्ट होती है, ठीक है, लेकिन ये उसी जगह पे नहीं लगती जहां पे गैबा लगता है, किसी और रिसेप्टर पे जाके लगती है और गैबा की ट्रांसमिशन को इनहेंस कर देती है, ठीक है। गैबा की ट्रांसमिशन को क्या करती है, इनहेंस कर देती है। गैबा कितनी देर के लिए इस रिसेप्टर पे लगा रहेगा या जो भी गैबा किस रिसेप्टर के साथ अटैचमेंट है और आगे क्लोराइड चैनल्स की ओपनिंग है उस ड्यूरेशन को ये ड्रग इनहेंस कर देती है, ठीक है। सो आपने याद रखना है इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या है, गैबा मेडिएटेड ट्रांसमिशन को इनहेंस करती है, ठीक है। गैबा मेडिएटेड ट्रांसमिशन को इनहेंस लगती है, गैबा ए रिसेप्टर पे नहीं लगती जिस रिसेप्टर पे गैबा खुद लगता था, बल्कि किसी और रिसेप्टर पे लगती है और रिसेप्टर पे लगने के बाद ही क्या करती है, गैबार्जिक ट्रांसमिशन जो हो रही है उसके ड्यूरेशन को बढ़ा देती है। अब ड्यूरेशन को बढ़ाने से क्या मुराद है, अगर नॉर्मली जब गैबा आके लगता था और समझ लो कि हमारे पास क्लोराइड चैनल ओपन हो रहा था लेकिन वो क्लोराइड चैनल एक मिनट के लिए ओपन हो रहा था, ठीक है। अब जब ये ड्रग यहां पे होगी तो इसकी प्रेजेंस में गैबा यहां पे ज्यादा टाइम के लिए अटैच रहेगा और क्लोराइड चैनल दो मिनट के लिए ओपन रहेगा और ज्यादा से ज्यादा क्लोराइड अंदर जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा इनहिबिशन होगी, तो ये ड्रग ड्यूरेशन बढ़ा देती है चैनल्स की ओपनिंग का, ठीक है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, जबकि बेंजोडाइजेपीन में हम देखेंगे कि वो फ्रिक्वेंसी बढ़ाती है, वो नंबर ऑफ क्लोराइड चैनल्स इंक्रीज कर देती है। एक मिनट के लिए खुलेंगे लेकिन अगर पहले एक चैनल खुल रहे थे तो बेंजोडाइजेपीन की प्रेजेंस में दो या तीन चैनल खुलेंगे, ठीक है। तो बेंजोडाइजेपीन फ्रिक्वेंसी बढ़ाती है, बारबिट्यूरेट ड्यूरेशन बढ़ाते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। सो हमें इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ आ गया। अब दूसरी बात आपने याद रखनी है कि ये इतनी ज्यादा हिप्नोटिक नहीं है,
बेंजीडाइजेपिन हिप्नोटिक भी है, इसका कैल्शियम करंट के साथ कोई लेना देना नहीं है, ना ही ग्लूटामेट के रिलीज के साथ कोई रिलेशन रखती है। ये सिर्फ गैबा की ट्रांसमिशन बढ़ाती है और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, ड्यूरेशन ऑफ क्लोराइड चैनल ओपनिंग बढ़ा देती है। अगर हम इसका कंटिन्यूस यूज करेंगे तो जो सिडेशन है उसको कम कर सकते हैं। उसके अलावा ये लीजन के स्प्रेड को रोकती है। किस तरह से रोकती है? लीजन सीजर के स्प्रेड को रोकती है। सीजर को करने के लिए जो आपको थ्रेशोल्ड रिक्वायर्ड होता है, ये उस थ्रेशोल्ड को इंक्रीज कर देती है। ठीक है, अब अगर हम इसके कुछ फार्माकोकाइनेटिक फीचर्स की बात कर लें तो ये स्लोली एब्जॉर्ब होती है। जितनी भी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं वो स्लोली ही एब्जॉर्ब होती हैं। हाफ लाइफ इसकी तकरीबन 80 to 120 आवर तक है। एक बात ये है कि ये आपकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में टिश्यूज और टिश्यू से फिर आगे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में जाती है, तो ये रीडिस्ट्रीब्यूट होती है ब्रेन से वापस टिश्यूज की तरफ, स्केलेटल मसल, और वहां से एडिपोज टिश्यू की तरफ, तो डिस्ट्रीब्यूट और रीडिस्ट्रीब्यूट होती रहती है। ठीक है, ब्रेन की तरफ जाती है, वहां से आपके स्नाकनिक एरिया, फिर स्केलेटल मसल, फिर एडिपोज टिश्यू, फिर ब्रेन, तो ये रीडिस्ट्रीब्यूट होती रहती है। एक बात उसमें लिखी हुई है कि ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है और फीटल एनोमलीज कॉज करती है, टेट्रोजेनिक है, इसलिए प्रेगनेंसी में ये कॉन्ट्राइंडिकेट है, प्रेगनेंसी में हम इसको नहीं देखते। मेटाबोलाइज होती है ये लिवर में और अनचेंज यूरिन में एक्सक्रीट हो जाती है। ये नॉर्मल से इसके फार्माकोकाइनेटिक फीचर्स हैं। अब अगर हम इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करेंगे तो एडवर्स इफेक्ट का कोई निमोनिक मेरे से नहीं बना, लेकिन क्योंकि ये सीएनएस को डिप्रेस करती है तो ये सेडेशन कॉज करती है, लेकिन ये सेडेशन लॉन्ग टर्म यूज से कम हो जाती है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि इनहिबिशन को बढ़ा देती है तो कुछ बिहेवियर एबनॉर्मेलिटीज कॉज करती है। उसके अलावा बच्चों के अंदर ये हाइपर एक्टिविटी कॉज करती है, इसलिए बच्चों के अंदर भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ठीक है, देन ये स्किन के ऊपर कुछ रैशेज वगैरह करती है और ज्यादातर एंटी एपिलेप्टिक माइलोसप्रेशन करती हैं, अनीमिया वगैरह करती हैं, तो ये भी आपके पास मगैलोब्लास्टिक अनीमिया और ऑस्टियोमलेशिया करती है, तो ये इसके एडवर्स इफेक्ट है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को यहां से बताती हूँ कि पूछा जाता है कि ड्रग ऑफ चॉइस ये किस चीज के लिए है। बार्बिट्यूरेट या फिनोबार्बिटॉल या फिनोबार्बिटॉन आर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर विच सीजर्स? तो स्पेशली इन्फेंट्स के अंदर जो सीजर्स होते हैं उनके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है कौन? बार्बिट्यूरेट। उसके अलावा हमारे पास इसके क्या यूजेस हैं? हम इसको जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक सीजर में और सिंपल पार्शियल में भी और कॉम्प्लेक्स पार्शियल में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली हम इन्फेंट्स के अंदर सीजर्स में इसको यूज करते हैं। इनमें हम एज एन ऑल्टरनेटिव इसको यूज करते हैं, लेकिन अब हमने इसका यूज छोड़ दिया है इन चार इफेक्ट्स की वजह से। अवेलेबल है सिरप की फॉर्म में भी, टैब की फॉर्म में भी, इंजेक्शन की फॉर्म में। 60 to 90 mg सेव होती है इसकी कंसेंट्रेशन एडल्ट्स के अंदर, लेकिन अगर बच्चों को देनी है तो 3 to 6 mg पर केजी पर डे जो है वो हम देंगे। तो यहां तक हमारे पास बात है किसकी? फिनो बार्बिटॉल या फिनो बार्बिटॉन या जिसका ब्रांड नेम है बार्बिट्यूरेट इसकी। अब इसका डिफरेंस बेंजीडाइजेपिन से आपको कुछ समझ आ भी गया होगा और कुछ मैं आपको एंटी डिप्रेसेंट में डिटेल से समझाऊंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट ड्रग की तरफ। नेक्स्ट ड्रग भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट ड्रग कौन सी है? नेक्स्ट ड्रग है सक्सीमाइड में से इथोसक्सीमाइड। अब इसमें से क्या क्वेश्चन आता है ये भी मैं बता चुकी हूँ। अब आप अगर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद करने की कोशिश करें तो मैंने था केव से याद रखना है कैल्शियम ब्लॉकर है कौन? CAVE। कैल्शियम ब्लॉकर है कौन? वेलप्रोएट और इथोसक्सीमेट। वेलप्रोएट और इथोसक्सीमेट, सो ये हमारे पास क्या है? कैल्शियम ब्लॉकर है। ठीक है, ये कैल्शियम ब्लॉकर है, और जो एमसीक्यू पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि ये ड्रग ऑफ चॉइस है किसके लिए? एब्सेंट सीजर्स के लिए। इथोसक्सीमेट ड्रग ऑफ चॉइस है एब्सेंट सीजर्स के लिए। अगर इथोसक्सीमेट नहीं होगा तो फिर हम वेलप्रोएट दे देंगे। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि जब ये मोस्टली हमने पीछे बात की थी कि इसकी एफिकेसी भी बड़ी हाई होती है और ये बड़ी सेफर ड्रग भी है। दूसरी बात हमने ये की थी कि बाकी जब ड्रग्स जा रही थी तो वो प्लाज्मा के साथ प्रोटीन्स के साथ जाके बाइंड कर रही थी, तो इथोसक्सीमेट प्रोटीन बाइंड नहीं करता प्लाज्मा के साथ। ठीक है, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आपने याद रखना है। टी टाइप कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक कर देता है, थ्रेशोल्ड को इंक्रीज कर देता है करंट के लिए थैलेमस के अंदर, और न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को भी कम कर देता है ग्लूटामेट के, क्योंकि ग्लूटामेट रिलीज होने के लिए क्या चाहिए? यहाँ पे कैल्शियम इनफ्लक्स चाहिए, तो ग्लूटामेट के रिलीज को भी ये कम कर देगा। अब अगर इसको हम हाई कंसेंट्रेशन में देंगे, इसका मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो ये है कि टी टाइप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, लेकिन अगर हम इसको हाई कंसेंट्रेशन में देंगे तो हाई कंसेंट्रेशन में ये सोडियम पोटाशियम एटीपीएजेस को भी ब्लॉक कर देगा। ठीक है, सेरिबैलर मेटाबॉलिक रेट को भी डिप्रेस कर देगा, और उसके साथ साथ ये गैबा को भी पोटेंशिएट करेगा, गैबा की एक्टिविटी को इनहेंस करेगा, इनहिबिशन बढ़ाएगा और एपिलेप्सी को ट्रीट करने में हेल्प करेगा। तो मल्टीपल एक्शन ड्रग है। नॉर्मली कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, लेकिन हाई कंसेंट्रेशन में एटीपी पीएस को ब्लॉक करेगा, सेरिब्रल एक्टिविटी को डिप्रेस करेगा, गैबा को पोटेंशिएट करेगा। जो गैबा को पोटेंशिएट करती हैं वो कौन सी हैं? वो होती हैं हमारे पास फिनोसक्सीमाइड और मेथोसक्सीमाइड। ठीक है,
अब अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है तो क्या होगा, यानी कि इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है, तो इसके एडवर्स इफेक्ट भी इतने ज्यादा नहीं है, माइनर से हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये गैस्ट्रिक या जीआईटी डिस्ट्रेस कॉज करेगा। जीआईटी डिस्ट्रेस में ही हमें क्या करेगा, पेन कॉज करेगा, ठीक है, नोजिया होगा और वॉमिटिंग होगी। उसके अलावा ये हेडेक और हिकअप्स करेगा, ठीक है, हेडेक करेगा एच एच से और हिकअप्स करेगा। उसके बाद कहता है कि इसकी वजह से भी कुछ रैशेज होते हैं, लेथार्जी होती है, फटीग होती है और यूफोरिया होता है। यूफोरिया कहते हैं इंटेंस एक्साइटेशन को, यूफोरिया लेथार्जी फटीग हो सकती है। 20 to 30 mg की कंसेंट्रेशन पर डे सेव होती है। सिरप और टैब्स की फॉर्म में ये अवेलेबल है। तो इतना ही है हमारे पास इथोसक्सिमाइड। आई होप आपको समझ आ गई होगी। कैल्शियम ब्लॉकर है, थ्रेशोल्ड को बढ़ा देता है, उसके अलावा ग्लूटामेट को रिलीज होने नहीं देता, सोडियम पोटाशियम ATPase को भी ब्लॉक करेगा, सेरिब्रल एक्टिविटी को भी डिप्रेस करेगा, गैबा को भी पोटेंशिएट करके इनहिबिशन बढ़ाता है। एडवर्स इफेक्ट जीआईटी डिस्ट्रेस है, हेडेक है, हिकअप्स है, यूफोरिया वगैरह है। तो यहां तक हमने दो इंपॉर्टेंट ड्रग्स और कर ली, बारबिट्यूरेट और इथोसक्सिमाइड। नेक्स्ट में बस हमारी इंशाल्लाह लास्ट वीडियो होगी, उसमें दो तीन ड्रग्स देखेंगे।